Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 8 chapter 2 exercise 2.4 question number 3. So let's get started the video. Question number 3 kya hai hamare paas, sum of the digit of a two digit number is 9. Hame kya diya hua hai, two digit ka jo number hai uska sum hame diya hua hai 9. When we interchange the digit, jab hum digit ko interchange kar dete hain, it is found that the resulting new number is, जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तब हमारे पास हमें जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, न्यू नंबर होगा. इज ग्रेटर दैन दी ओरिजिनल नंबर बाई 27, वट इज़ द टू डिजिट नंबर. टू डिजिट नंबर हमें क्या करना है बताना है. तब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ 9. टू डिजिट का जो नंबर है उसका सम मुझे क्या दिया हुआ है, 9. सपोज एक ये डिजिट ले ली मैंने, एक ये डिजिट ली, उसका सम मुझे कितना दिया हुआ है, 9 के इक्वल दिया हुआ है. क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए मैं एक वेरिएबल तो एक डिजिट तो अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ. क्योंकि चैप्टर का नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए मैं एक डिजिट एक वेरिएबल अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ. टू जो टू डिजिट का सम मुझे दिया गया ना, उसमें से एक डिजिट मैंने सपोज कर ली एक्स है, और एक मैं क्या करूँगी, फाइंड आउट कर दूंगी. ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन मार्क वाली फाइंड आउट करूँगी. 9 को मैंने यहीं पर रख के रखा है, एक्स को जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगी तब ये क्या हो जाएगी, 9 माइनस एक्स. ठीक है, इतनी बात. अब हम क्या लिख लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट कितनी हुई. यूनिट डिजिट तो हमने खुद सपोज की है ना, एक डिजिट तो हमने खुद सपोज की है ना, वो क्या सपोज की थी हमने, एक्स अपनी मर्जी से. ठीक है, टेंस डिजिट क्या हुई मेरी, जो मैंने फाइंड आउट करनी है, 9 माइनस एक्स. ठीक है, इतनी बात. अब मेरी सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनना आप. सपोज मैंने एक नंबर लिया 45, मैंने क्या किया, एक नंबर लिया 45. ठीक है, ये कैसा नंबर है, टू डिजिट नंबर है, और जब मैं इन नंबर्स का सम करती हूँ तब मुझे क्या मिलेगा, 9. ठीक है, 45 में से 5 क्या है मेरा, यूनिट डिजिट. क्या है मेरा, यूनिट डिजिट, वंस डिजिट भी बोल सकते हो, वंस प्लेस. ठीक है, और ये क्या है मेरा, टेंस डिजिट. ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक चीज़ बोली गई है, इंटरचेंज की बात की गई है, दो नंबर को इंटरचेंज करने की बात की गई है. 45 को जब मैं इंटरचेंज करूँगी तब ये क्या हो जाएगा, 54. ठीक है, अब यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट क्या हुआ, 4. यूनिट डिजिट क्या हुआ अब मेरा, 4. और यहाँ टेंस डिजिट कितना हुआ, 5. क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या बताया गया कि कोई भी दो नंबर लेने हैं उनका सम कितना दिया गया, मुझे 9 दिया गया है. जब मैंने दो नंबर लिए, इन नंबर्स का अगर मैं सम करूँगी तब मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा. बट इन नंबर्स के ये टू डिजिट नंबर है ना मेरे पास, यहाँ पर ये कैसा नंबर है, यूनिट डिजिट, और ये कैसा है, टेंस डिजिट. जब मैंने इस नंबर को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने पर ये नंबर क्या हुआ, 54. अब यहाँ पर ये 4 क्या हुआ मेरा, यूनिट डिजिट, और ये क्या हुआ मेरा, टेंस डिजिट. 45 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, 45 को कैसे लिखा, 40 प्लस 5, और फिर मैंने 40 को कैसे लिखा, मैंने 40 को कैसे लिखा, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1. ऐसे ही मैंने 54 को लिखा, 54 को मैंने क्या से लिखा, 50 प्लस 4 54 होते हैं. फिर मैंने 50 को ब्रेक किया किस में, 10 मल्टीप्लाई 5 में, प्लस का साइन था उसको ऐसे ही रखा. 4 को मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, पहले नंबर क्या था, 45 था, फिर इंटरचेंज किया, क्या क्या हुआ नंबर, 54. अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व करते चले गए आप, यहाँ पर क्या था, 10. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1. ये क्या 45, एक मेरे पास क्या टू डिजिट का नंबर है, ये 45 क्या मेरे पास टू डिजिट का नंबर है. जब मैंने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, 10, और यहाँ भी क्या है, 1. इंटरचेंज करने पर ये क्या, 54. 45 का 54 बन गया इंटरचेंज करने पर, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके देखा तब भी ये हुआ. 45 के केस में 10 और 1 था, यहाँ भी क्या है, 10 और 1 ही है. डैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला मेरे पास, जब कोई भी नंबर मैंने लिया, 10 और 1 तो मेरे यहाँ सेम ही रहे, 50 जब मैंने 45 को इंटरचेंज किया 54 बना, तब भी 10 और 1 सेम ही रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. और जहाँ मेरा फ़र्क पड़ा वो क्या था, यहाँ क्या था, 4, और यहाँ क्या है, 5. ये क्या मेरा यहाँ पर,
यूनिट डिजिट, ये क्या है टेंस डिजिट। डैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला मेरे पास, जब मैं किसी भी डिजिट को इंटरचेंज करती हूँ, जब मैं किसी भी डिजिट को इंटरचेंज करती हूँ, 45 है इसको मैंने इंटरचेंज किया 54, जब मैं किसी भी डिजिट को इंटरचेंज करती हूँ उसको, उसमें जो नंबर है 10 और 1 वो तो सेम ही रहने वाले हैं, चेंज क्या होगा मेरे पास, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी टेंस डिजिट। यहाँ पर 45 में, यहाँ पर जो मेरा 45 है, यहाँ पर मेरा जो 5 है वो क्या है मेरा यूनिट डिजिट, ये क्या है मेरा यूनिट डिजिट, और यहाँ क्या है ये टेंस डिजिट। ठीक है, यहाँ ये यूनिट डिजिट है मेरा, 5 क्या है मेरा यहाँ यूनिट डिजिट। जब मैंने चेंज किया, मैंने क्या किया इसको 45 को 54 किया, फिर मेरा यूनिट डिजिट क्या हुआ 4, अब मेरा यूनिट डिजिट क्या है 4। डैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला मेरे पास, जब हम किसी भी नंबर को इंटरचेंज करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को इंटरचेंज करते हैं, मेरा किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, मेरा किस चीज़ पे पड़ता है, 10 और 1 तो मेरा सेम ही रहने वाला है, बस मेरा क्या यूनिट डिजिट क्या हो जाते हैं टेंस डिजिट बन जाता है, टेंस डिजिट क्या बन जाता है यूनिट डिजिट बन जाता है, बस मेरा यही चेंज होने वाला है। और ये इसी चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है, और अब हम क्वेश्चन को करेंगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अब हम क्या लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखूँगी ओरिजिनल नंबर का, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये क्या मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, मैंने आपको जब मैंने इस नंबर को आपको सोल्व करके दिखाया 45 को, मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 10 और 1 मेरे सेम रहते हैं, 10 और 1 क्या रहते हैं सेम रहते हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे। 10 टेंस डिजिट क्या है हमारी 9 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट क्या है एक्स, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा 90 माइनस 9x। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बोला, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जो हमने डिजिट लिया हमें क्या करना है उसको इंटरचेंज करना है। अब मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाया, जैसे ये 45 था, सबसे पहले तो एक नंबर लिया ना हमने टू डिजिट का नंबर, अब हमने क्या किया इसको इंटरचेंज किया तो ये क्या बन गया मेरा 54 बन गया। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, हमने क्या किया डिजिट को इंटरचेंज किया, तब क्या हुआ इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तब हमें क्या मिलेगा न्यू नंबर मिलेगा। हम लिख लेते हैं न्यू नंबर क्या होगा, क्वेश्चन में दिया गया है ना, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाया, सबसे पहले मेरे पास डिजिट क्या थी 45, इंटरचेंज करने पर क्या हुई 54। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा ओरिजिनल नंबर से 27। ठीक है, अब हम क्या करते हैं न्यू नंबर क्या मिला मुझे, मैं एग्जांपल की हेल्प से हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने टू डिजिट नंबर लिया, ये क्या था 45, इंटरचेंज किया क्या हुआ 54। 10 और 1 तो हमेशा सेम ही रहेंगे, डैट मीन्स 10 और 1 तो सेम ही रहने वाले हैं, जब हमने सोल्व किया 45 को 10 और 1 तो तब भी हमारे पास आया, चेंज क्या हुआ यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाती है, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट बन जाती है। डैट मीन्स 10 तो यहाँ 10 ही रहने वाला है, मल्टीप्लाई जो टेंस डिजिट है वो क्या होगी यूनिट डिजिट, प्लस 1 भी सेम ही रहने वाला है, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी टेंस डिजिट। यही हो रहा है ना मेरे पास जब मैं डिजिट को इंटरचेंज करती हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या 45, ठीक है, पहले तो ये 5 मेरे पास यूनिट डिजिट थी और 4 टेंस डिजिट थी, इंटरचेंज किया 54 बन गया, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हुई 4 और टेंस डिजिट कितनी हुई 5। सिर्फ मेरे पास इफेक्ट किस चीज़ का पड़ रहा है, मेरे पास यहाँ यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाती है और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट बन जाती है, इसलिए टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना दिया, यूनिट डिजिट के प्लेस पर टेंस डिजिट लिख दिया, बाकी मेरे पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस अब मैं क्या करूँगी वैल्यू पुट कर दूँगी, यूनिट डिजिट क्या है मेरी x प्लस 1 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट कितनी है मेरी 9 माइनस x, अब जब मैं इसको सोल्व करूँगी मुझे क्या मिलेगा 9x प्लस 9। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर ही, जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर से 27। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मेरे पास न्यू नंबर जो है मेरा, न्यू नंबर वो क्या है ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर से 27। इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर ही इज़ ग्रेटर देन
the original number by 27. अब हम क्या करेंगे, न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर को एक साइड लिख लेंगे, न्यू नंबर को यहीं रख के रखेंगे, ओरिजिनल नंबर को दूसरी साइड लेके आ जाएंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा 27 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू नंबर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, न्यू नंबर की वैल्यू कितनी है, न्यू नंबर की वैल्यू है मेरे पास 9x प्लस 9 माइनस ओरिजिनल नंबर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 माइनस 9x। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू कितनी है मेरी 90 माइनस 9x और ये किसके इक्वल है मेरा, सब कुछ 27 के इक्वल है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको सोल्व करूँगी, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x किसके इक्वल है 27 के। 9x प्लस 9x 18x, 90 माइनस 9। अब मैं क्या करूँगी, कॉन्स्टेंट को एक साइड करूँगी और वेरिएबल को एक साइड करूँगी। वेरिएबल को तो मैंने यहीं पे सोल्व कर लिया, मैं कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी, यहाँ माइनस का 90 इस साइड जाके प्लस का 90 हो जाएगा, प्लस का 9 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है 27। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 90 माइनस 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 81, 81 में 27 को मैं क्या करूँगी ऐड करूँगी, 7 प्लस 1 क्या हुआ 8, 8 प्लस 2 108, डैट मीन्स 108 मिलेगा मुझे 18x। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास ये। अब मुझे क्या करना है, इसको किसी ऐसे टेबल पे कट करना है जहाँ पर ये दोनों नंबर मेरे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, डैट मीन्स मुझे क्या मिला x की वैल्यू 6, x की वैल्यू मुझे क्या मिली 6। बट मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, मुझे क्या पूछा, बट इज दी टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे 90 माइनस 9x, टू डिजिट नंबर इज क्या लेके चले थे हम स्टार्टिंग में 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9x की वैल्यू कितनी है ये 6, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें आंसर 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 3, डैट मीन्स हमें आंसर क्या मिला 36 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।